हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस वाई एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमएस एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि राष्ट्रीय मीन्स कम स्कॉलरशिप जो परीक्षा होती है, उसके जो लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इससे पहले पार्ट वन में करा चुका हूँ, ये पार्ट टू है आपका। और इन सारे क्वेश्चंस को आपको लिखते जाना है, जिससे कि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लास्ट टाइम पे जो है ना एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज भी कर पाएंगे अगर लिखे होंगे क्वेश्चन आपके पास। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है आपको, 21 से 24 तक के निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान हो, जो अलग सा डिफरेंट शब्द है उसे आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ना, सूर्य, ग्रह, तारे, उपग्रह, इनमें सबसे अलग क्या है? सूर्य जो है ना एक तारा है, बाकी सब जो है ना ये ग्रह हैं, यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन ये जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो इसमें जो है ना सबसे अलग क्या है? सितंबर, क्योंकि तो सितंबर जो है ना 30 दिनों का होता है, बाकी जो सब है 31 दिन के महीने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नाक, हृदय, कान, आँख, तो नाक, कान और आँख जो है ना बाह्य अंग है, और हृदय जो है ना आंतरिक अंग है, तो ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर होगा, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भुवनेश्वर, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा जो है ना राज्यों के नाम है, जबकि भुवनेश्वर जो है ना कैपिटल है भारतीय राज्य की। क्वेश्चन नंबर 25, पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, यदि चार सबसे नीचे है तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा, ये आपको बताना है। अगर चार जैसे दो के विपरीत जो है ना अंक होते हैं 6, वैसे ही 3 का जो होता है 5, ऐसी 4 का विपरीत अंक क्या होता है? ए, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइए आप, यहाँ पे फिर निर्देश दे रखे हैं, तो आपको ए भी अंग्रेजी पढ़ते हैं और सी भी अंग्रेजी और भूगोल दोनों पढ़ते हैं, डी और ए गणित हिंदी पढ़ते हैं, ई और बी इतिहास और संस्कृत पढ़ते हैं। तो अब बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक के जो है ना प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। इन अध्यापकों में से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता है, तो आपका जो है ना यहाँ पे आंसर बनेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यहाँ पे बी। अब बी में क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, ये इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक जोड़ी दोनों विषय भूगोल और हिंदी पढ़ाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ना राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विषय दो से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर है हिंदी, हिंदी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऐसे कौन से विषय हैं जो डी, बी तथा ए दोनों ही तीनों ही पढ़ाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो है ऑप्शन सी, केवल हिंदी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक दो से कम विषय पढ़ाता है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, क्रिकेट के T20 मैच में टीम के दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 21 है तथा अन्य 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 36 है, तो इन 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है 30, ऑप्शन ई जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। किस तरह से आया? पहले 2 खिलाड़ी 21 रन बनाते हैं, फिर 3 खिलाड़ी 36 रन बनाते हैं, तो टोटल खिलाड़ी जो हुए ना 5 हो गए, तो इसको जब हमने 21 × 2 किया तो 42 आया, और 3 × 36 करते हैं तो आपका जो है ना 108 आ जाता है, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 150/5, 5 3 या 50, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 30, 0 का 0 वैसे ही रख दो। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दे रखा है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 16 लीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से
चल रहा है और अर्धवृत्ताकार मार्ग में जाने से डॉट डॉट जाने की अपेक्षा 10 सेकेंड अधिक लगते हैं, लगभग मान इसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 280 मीटर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। मान अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है आपकी, 8 मीटर है और ए और बी की सीधी दूरी जो है ना व्यास 2 आर है, तब इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे दे रखा है पाई आर अपन में जो है ना 16, 2 आर पाई की वैल्यू जो है ना 2 है यहाँ पे 2 आर, तो इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे, इसको जो है ना इस इक्वल में 10 दे रखा है। जैसे हम पाई की वैल्यू रखते हैं तो 22/7 जो है ना इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पाई अपॉन 16, 22/-2 का 2 यहाँ पे रखा हुआ है, इज इक्वल 10 है। फिर जैसे हमने किया तो पाई अपॉन 16 और 8/7 आया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा यहाँ से 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 2 × 7 × 10 और इधर 8 जो है ना दे रखा है, तो इसको जब हम करेंगे तो 140 मीटर आ जाएगा। अब अर्धवृत्त का व्यास पूछा गया तो 2 × जो है ना 2 करके होता है 2 बार करके, तो यहाँ पे 2 × में आर की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे आ गया आपका 280 मीटर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, 46 विद्यार्थी की कक्षा में कुलदीप का कक्षा जो क्रम है वो 8वां है, नीचे से उसका क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन सी जो है ना नीचे से उसका 35 क्रम होगा, ऑप्शन सी जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कुलदीप नीचे का क्रम जो है ना 46−12 प्लस का बन करते हैं, तो ऐसे आपका 35 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8:30 समय दर्शाता है, तो इसके बीच का जो है ना दर्पण में देखेंगे तो इसका कितना समय हो रहा होगा, तो इसमें जो है ना 3:30 का समय हो रहा होगा, ऑप्शन बी जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, यदि कोबरा शब्द के संगीत हार जो है ना 3, 15, 21 और 81 हैं तो जेब्रा के कैसे संकेतक होंगे? तो इसका जो राइट आंसर 26, फिर ई का जो है ना 5 होगा, फिर बी का 2 होगा, फिर 18 होगा, फिर 3 होगा, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यदि पिंक शब्द के संकेत अक्षर आर जी पी आई हों तो शब्द ब्लिट कैसे संकेतित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डी जी सी डब्ल्यू जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। पी से आर +2 हो रहा है, फिर -2, फिर +2, फिर -2, ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड राउंड में होगा, तो आपका डी जे डब्ल्यू सी यहाँ पे जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 37 दे रखा है, अगर हरे रंग को पीला कहते हैं और पीले रंग को नीला कहते हैं और नीले को काला कहते हैं, तो काले रंग काले का लाल कहते हैं और लाल को जामुनी कहते हैं, तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा? तो आपका ऑप्शन बी जामुनी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, किसी संकेत में गुड स्वीट एप्पल के लिए 8-5-1 है और गुड रेड रोज़ के लिए 7-8-3 है, रोज़ नॉट एप्पल के लिए 3-4-1 है और स्वीट के लिए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है 5 जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसी कूट भाषा में रॉब को 5-1-3-6 लिखा जाता है और बाइंड को 3-7-9-2 लिखा जाता है, राइड को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है ना 5-7-2-6 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, और इस जो है ना पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट पार्ट पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 41 से 60 तक के क्वेश्चन। 18 × 16 = 32, 42 × 37 = 32 है, तो 53 × जो है ना 13 क्या होगा? तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए 24, इसका जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे 1+8 करके जो है ना 1+6 × 2 करते हैं, तो इसको जोड़ के ये 8/9 हो जाता है और 1/6 आपका 7 हो जाता है, 2/2 इनको जोड़ते हैं तो 16 और 2 करते हैं 32 आपका यहाँ ऐसे आ जाता है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में, इसी तरह
थर्ड पार्ट में करते हैं तो आपका 24 आंसर प्राप्त हो जाता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं आपको अब चैनल के माध्यम से जोड़ लेना है, जिससे कि उन्हें ये क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकें, और इसकी कोई भी जो है ना आपको पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे जो है ना क्लास चलेंगे और रेगुलर क्लास चलेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इसके PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।